नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारी YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कृति सुरेश के बारे में। दोस्तों, कृति सुरेश जो कि साउथ की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक हैं, इन्होंने बहुत ही कम समय में ही लोगों के बीच काफ़ी अच्छी फैन बेस भी क्रिएट कर लिए हैं। अक्सर कृति सुरेश अपनी फैशन और ट्रेडिशनल ड्रेसिंग स्टाइल और लुक्स के लिए चर्चे में रहते हैं, और साथ ही कृति सुरेश को अपनी शानदार एक्टिंग के लिए नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, आप सभी तो कृति सुरेश की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे, लेकिन दोस्तों, क्या आप कृति सुरेश की रियल लाइफ फैमिली और उनके स्ट्रगल लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं क्या? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखना एकदम लास्ट तक, और वीडियो को लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों, इसी चैनल पर हम हर दो दिन में सेलिब्रिटीज के बारे में कुछ ना कुछ अपलोड करते रहते हैं। और आज की वीडियो में हम आप सभी को कृति सुरेश की जीवन से जुड़ी कुछ सीक्रेट बातें और कृति सुरेश की रियल लाइफ फैमिली और उनके रियल लाइफ हस्बैंड के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, कृति सुरेश जिनका जन्म 17 अक्टूबर 1992 को तमिलनाडु में हुआ था, कृति सुरेश फेमस प्रोड्यूसर सुरेश कुमार की बेटी हैं, जो कि साउथ के बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ साथ एक प्रोड्यूसर भी हैं, और मां का नाम है मेनका कुमारी, जो कि अपने जमाने की साउथ की बहुत बड़ी अभिनेत्री थी। और इनके अलावा कृति सुरेश की एक बड़ी बहन भी हैं जिनका नाम है रेवती कुमारी। दोस्तों, कृति सुरेश अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई तिरुवनंतपुरम की केंद्रीय विद्यालय से पूरी करके चेन्नई की पार्ले एकेडमी यूनिवर्सिटी से फैशन डिजाइनिंग में बीए किए हैं। बात करें कृति सुरेश की एक्टिंग करियर के बारे में, तो दोस्तों, सबसे पहले कृति सुरेश एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत किए थे। कृति सुरेश एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में पायलट, कुबेरम जैसे कई सारे मूवीज के साथ साथ कई सारे सीरियल में भी काम कर चुके हैं। और इसके बाद करीबन 12 साल के बाद कृति सुरेश 2013 की फिल्म गीतांजलि में एक लीड अभिनेत्री के तौर पर नजर आए थे। यह एक हॉरर फिल्म थी जिसमें कृति सुरेश डबल रोल निभाए थे, और इस फिल्म के जरिए कृति सुरेश को ऑडियंस से एवरेज रेस्पॉन्स मिला था। और इसके बाद कृति सुरेश 2014 की फिल्म रिंग मास्टर में काम किए थे, जिसमें कृति सुरेश एक अंधी लड़की की किरदार निभाए थे, और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुआ था, और साथ ही कृति सुरेश को अपनी एक्टिंग के लिए काफ़ी प्रशंसा भी मिला था। और इसके बाद कृति सुरेश कई सारे तमिली और तेलुगु मूवीज में कई सारे बड़े बड़े स्टार के साथ काम किए थे। तेलुगु में कृति सुरेश मूवी नैनू शैलजा के जरिए डेब्यू किए थे, और इस मूवी में कृति सुरेश की ऑपोजिट में राम पोतिनेनी नजर आए थे, और ये रोमांटिक मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सक्सेसफुली रन किया था। और इसके बाद कृति सुरेश ने सुपरस्टार थलापति विजय के साथ भैरवा में काम किए थे, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट भी हुआ था। दोस्तों, बात करें कृति सुरेश की अवार्ड्स के बारे में, तो कृति सुरेश को 2018 की फिल्म महानती के जरिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। यह एक बायोग्राफी मूवी थी जिसमें कृति सुरेश सावित्री का रोल निभाए थे। बात करें कृति सुरेश की पर्सनल लाइफ के बारे में, तो कृति सुरेश फिलहाल अभी तक शादी नहीं किए हैं। कुछ समय पहले मीडिया में चर्चा हो रहा था कि कृति सुरेश ने किसी बड़े बिजनेसमैन से शादी कर लिए हैं, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान ये सभी बातों को गलत बताते हुए कृति सुरेश ने कहा है कि फिलहाल अभी मुझे शादी करने की कोई इरादा नहीं है, मैं अभी सिर्फ मेरी करियर के ऊपर ही फोकस करना चाहता हूँ, और मैं मेरी फैमिली के साथ खुशी में हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को कृति सुरेश और उनकी फैमिली के बारे में जानकर कैसा लगा, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।